हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में एसएसबी की नई पोस्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे, जो अभी आपकी हाल ही में आई हुई है। ठीक है जी, आपको गाइस में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, गाइस आपको क्या क्या स्टेप पे फॉलो करने हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, फ्रेंड्स हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, मैं आपको जैसे मैंने लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना गूगल ऑन कर लेना, ठीक है। आपको फिलअप करना है एसएसबी 815 पोस्ट, ठीक है। आपको इतना फिलअप करने बाद दोस्तों सर्च पे क्लिक कर देना, तो सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड नीचे देखिए एसएसबी रिक्वायरमेंट 2020 कॉन्स्टेबल जॉब्स अप्लाई ओनली, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ गाइज। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए, आप यहाँ पे naukrikhabar.com साइट है गाइज, पे आप आ जाओगे, ठीक है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एसएसबी रिक्वायरमेंट 2020 कॉन्स्टेबल जॉब्स अप्लाई ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में आपकी नई वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पे देखिए गाइस वैकेंसी डिटेल्स, टोटल आपकी इसमें टोटल पोस्ट है 815, आपका पोस्ट नेम है कॉन्स्टेबल, ठीक है। इसमें जो पोस्ट होगी आपकी कॉन्स्टेबल की होगी गाइस, टोटल पोस्ट अगर बात करें 815 आपकी टोटल पोस्ट है इसमें। और फ्रेंड्स ये देखिए स्टार्टिंग डेट गाइस आपकी अपडेट सोन है, अभी लास्ट डेट अपडेट सोन दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स आपकी ये फॉर्म है, कम से कम मान लीजिए आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको नीज बता रहा हूँ सबसे पहले। और फ्रेंड नीचे देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड का भी विल बी नोटिफिकेशन सुन, ठीक है। अभी आपका काफी टाइम है इसमें, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एज लिमिट, अगर आप इसमें एज लिमिट की बात करें फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 18-23 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपके एज इलेक्शन की बात करें कि मैं एससी को कम से कम 5 साल का मिलेगा इसमें छूट, ठीक है, और 10 साल और एससी एसटी को मिलेगा, और 5 साल का ये जनरल को छूट मिलेगा इसमें, और 8 ईयर हो बीसी कैंडिडेट, 8 साल का गाइस में मिलेगा और बीसी कैंडिडेट को, ठीक है, इसमें छूट में रिलैक्सेशन, ओके। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस की मैं आपकी बात करूँ, इसमें जनरल ओबीसी की फीस फ्री, कोई फीस नहीं है इसमें जनरल ओबीसी की, और एसटी एसटी एल कैलेक्टेटिव जो फेमेल है गाइस उनकी भी कोई इसमें कोई फीस नहीं है, इसमें सब लोग फ्री हैं गाइस। इसमें एसटी एसटी ओबीसी आप चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप सब इसमें मतलब आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो बिना फीस पे किए, ओके। नीचे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी की बात करें आपकी, किस किस जगह की वैकेंसीज हैं, कौन सी कौन स्टेट की वैकेंसीज हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अथर, ठीक है। फ्रेंड्स आप आराम से चेक कर लीजिएगा आपकी कौन स्टेट से आप हो, ठीक है गाइस। अब जो भी आप ये स्टेट्स देख रहे हैं यहाँ पे, जो स्टेट आपके सामने आई हुई हैं, इन सब स्टेट के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म को पक्का फिलअप कीजिएगा, ओके। फ्रेंड्स अगर आपकी इसमें ग्रेड पे की बात करें, यहाँ पे देखिए गाइस आपकी सैलरी कम से कम 21,700 से लेके 69,100 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, कम से कम इसमें सैलरी आपकी काफी अच्छी है, 21,700 से लेके 69,100 आपकी इसमें सैलरी होगी पर मंथ के लिए, ओके। मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट ओनली 10th पास एयर रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी और बोर्ड, आपके पास गाइज पूरे इंडिया से आप कहीं से भी हो, आपके पास ओनली 10th का मार्क्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ओके। यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपके पास एक फोटो होना चाहिए और आपके सिग्नेचर होने चाहिए, अगर आपके पास ये दोनों चीज है या फिर आपके पास ये फॉर्म आप आराम से फिलअप कर सकते हो, 10th का मार्क्सिट होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो आराम से, ओके। इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं मैं, अगर आप फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इसमें आपका ओनली इसमें गाइज आपका ओनली फिजिकल होना है और मेडिकल टेस्ट होना है, आप इसके बेस पे आपकी भर्ती होगी, आपको इसमें रिटन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास ओनली 10 आपके पास 10 पास होनी चाहिए पहले, तो आपके पास फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए और आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर होना चाहिए इसमें आपकी जो पक्की है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन का अपडेट सुन अभी आने वाला है, ठीक है, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे गाइज। ये फॉर्म स्टार्ट होते ही मैं आपको सबसे पहले न्यूज दे दूंगा, ये अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे फ्रेंड्स इसमें इच्छुक हैं, जो भी इस जॉब से प्रॉपर मतलब कि लेना चाहते हैं जॉब को, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि जब भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। आप एक काम करें फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आपको उसका लिंक 1 मिनट से पहले मिल जाए कि हाँ मैंने वीडियो डाल दिया है, आपको उसका लिंक एकदम से मिल जाए। जब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल, अगर गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल बटन ऑन कर लेते हो तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी मेरी जो आपके लिए मैं बनाऊंगा आगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर लेना है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।